नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 3 के शांतिनगर साईं बाबा मंदिर से डॉल्फिन क्लब सी ब्लॉक रास्ते की खस्ता हालत हो चुकी है। वहां रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। मानसून का समय है, वहां से गुजरने वाले वाहन रास्ते में हो चुके गड्ढों में फंस जाते हैं। इस रास्ते के वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर देखे हैं, लोग कीचड़ भरे पानी में गिर रहे हैं। यही दृश्य हर रोज का है। बरसात पूर्वक गड्ढे बड़े नहीं गए। कोरोना के चक्कर में शहर के लोग यह भी भूल गए कि उल्लासनगर के गड्ढे भरने के लिए पिछले साल करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस रास्ते की खस्ता हालत को देखते हुए प्रबल संगठना आगे आई है। वहीं प्रबल संगठना के श्याम शर्मा जी का कहना है, काफ़ी सालों से इस रास्ते का दुरुस्तीकरण नहीं किया गया है। मैं भी इसी परिसर का रहने वाला हूं। इस रास्ते पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो स्थानिक लोगों को साथ लेकर इस रास्ते को बंद किया जाएगा। आइए जानते हैं क्या है कहना श्याम शर्मा जी का। ये जो आज रोड है डॉल्फिन क्लब का साईं बाबा मंदिर तक, इसकी हालत लगातार 5 सालों से मुश्किल से एक दो बार इसको रिपेयरिंग किया गया है। मैं UMC प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि जब दिसंबर 2019 में खड्डे भरो का टेंडर पास हुआ था 7 करोड़ का, उसमें इस रोड का नाम सबसे पहले था, उसके बावजूद भी इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद ये रोड MMRDA के थ्रू कॉन्क्रीट सीमेंट का पास हुआ था, उसके बाद भी अभी तक क्यों नहीं बना। आज रोड की हालत ऐसी है कि आए दिन डेली एक हादसा हो रहा है। कभी ऑटो पलटी होती है, कभी कार फंस जाती है। थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें एक बेटी और माँ दोनों एक्टिवा लेके पानी में गई थी फिर, और डेली इसका हादसा कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा और मैंने इसके पहले जो कमीशन थे सुधाकर देशमुख, उनसे भी मैंने पत्र व्यवहार किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देख रहे हैं और जल्दी इसको करेंगे। लेकिन बदकिस्मती समझे रोड की या उल्लासनगर की कि उनका ट्रांसफर हो गया। तो अभी जो न्यू आयुक्त आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरफ जल्द से जल्द रोड पे अगर आप टेम्पररी, अगर आप उसको परमानेंट काम नहीं करते, टेम्पररी के सॉल्यूशंस का निकालें और जितना हो सके जल्द से जल्द काम करें। आने वाली 23 तारीख के बाद हम लोग ये रोड, हम लोगों यहाँ के जनता के साथ मिलकर ये रोड बंद करेंगे। इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।